हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बना रही हूँ मैं चाय और एक तरफ दूध। हमको जाना है उदयपुर, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके जाएंगे तो सही लगेगा। मैं हो चुकी हूँ रेडी, और रेडी होने के बाद मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं सारे पर्स में से कौन सा पर्स ले जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा स्टोरेज ज़्यादा चाहिए उस वजह से। पर एक बात ये भी है कि मार्केट में घूमने में थोड़ा हैवी पर्स होता है तो थक भी जाते हैं। तो अभी इन तीनों पर्स में मैं कंफ्यूज हूँ। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि यही ले जाती हूँ, ज़्यादा कुछ स्टफ़ मुझे कैरी नहीं करना है, क्योंकि फिर कंधा दुख जाता है। तो ये तो पूरा खाली है, क्योंकि इसको रिप्लेस करके हमने इसमें कर दिया था, क्योंकि शॉप पे मैं पहले ये वाला पर्स ले जाती थी और छोटा लगता था, तो फिर हमने ये वाला लिया, तो ये सही है शॉप के लिए। तो पर चलो आज ये वाला ले जाती हूँ, उसके साथ सही भी लग रहा है। एक दो कुछ भी जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो ले लूँगी, जिसमें जो कि हो गया पेपर सॉप और हैंड सैनिटाइज़र। इसमें जो छोटा सा आ जाए ऐसा ही लूँगी, क्योंकि ज़्यादा मेरे को बड़ा नहीं लेना, क्योंकि ये पर्स फिर फूल कैसा हो जाता अच्छा ही नहीं दिखता है। मैं तो इसमें मोबाइल और पर्स आ जाए वही बहुत है। आजकल तो कैश कैरी करना भी ज़रूरी नहीं है, फ़ोन है इसलिए सब काम हो जाते हैं। पर कहीं कहीं पर कैश की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि लोकल मार्केट में कहीं कहीं यानी फ़ोन पर पेमेंट नहीं हो पाता है, सो इसीलिए। बाकी तो सब ठीक है। तो ये वाला पर्स कर दिया फाइनल, इसमें सामान भी रख दिया थोड़ा। अब रेडी हो चुके हैं और हम एक बार शॉप पे जाके आ रहे हैं, क्योंकि शॉप पे है थोड़ा काम, बिना दीदी का भी काम है, मेरा भी काम है, तो वो काम कंप्लीट कर देते हैं फिर निकलते हैं। यस अच्छी भाड़ा पड़ी जाती है बर्थ ओपन। मैचिंग कह रही है मैचिंग। ये बिना दीदी का जो पार्सल है वो निकाल दिया है, और अब इसका बिल बन जाएगा। सब जने आ चुके हैं, ग्रुप इकट्ठा हो चुका है, अब हम निकल रहे हैं उदयपुर के लिए। इनको सीधा यहीं पे बुला दिया, पर गाड़ी का टायर हो गया पंक्चर, तो उसका पंक्चर डलवा देंगे। हालांकि बाइक लेके नहीं जाना है, कार लेके जाना है, इसलिए बाइक चलो यार, इनको बाद में खिला देना। केंगेन वाटर, केंगेन तुम भी उसी गाड़ी में आ रहे हो। तो अभी हम सब जने कार में लोड हो चुके हैं, और अभी चिकू आने बाकी है, तो चिकू जैसे ही आते हैं वैसे हम उदयपुर के लिए निकलते हैं। आज इन लोगों ने हमको इतना लेट कर दिया है, तीनों ने बहुत ज़्यादा। कहाँ निकलने वाले थे 9 बजे और कहाँ निकल रहे हैं अभी 11 बजे। मुँह छुपा मत, मैंने नहीं लेट किया। क्यों नहीं किया? तूने ही किया लेट। लग रही है अभी प्याज और कैंपर इन लोगों ने पीछे डिक्की में रख दिया है, तो अभी डिक्की से कैंपर निकालेंगे, फिर बॉटल में फिल करेंगे। पर ग्लास भी है। यस है, मैं समझ रही हूँ। गजब बेइज्जती। अभी हम उतरे हैं किंगफिशर होटल पर, तो यहाँ पर हम करेंगे लंच। लंच करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। हम जिस रेस्टोरेंट में आए थे वो रेस्टोरेंट तो है क्लोज, तो अब दूसरा रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेगा, और फिर वहाँ पर लंच प्लान करते हैं। इतनी अच्छी लाइन कही, आज के दिन के लिए क्लोज है, जैसे कि मेरा सैलून भी आज के दिन के लिए क्लोज है। बने। बने। चलो आ जाओ। तो अभी हम आ गए हैं साइड वॉक कैफे में खाना खाने के लिए। लंच हम यहीं पर खाएंगे। तो अभी हम सब जने ऑर्डर दे रहे हैं, मेन्यू कार्ड देख रहे हैं, और ये चिकू के कज़िन ब्रदर की है कैफे, कज़िन ब्रदर का ही कैफे है। तो हम यहाँ पर अभी जो भी डिशेज हैं उनमें से एक एक ट्राई करने वाले, हालांकि आते रहते पर आज सब जने एक साथ आए तो इन सबको भी टेस्ट कराते हैं। ये हमारा वेज सैंडविच आ चुका है, तो अभी हम सब जने एक एक उठाएंगे।
यहाँ चुके हैं हमारे मोमोज और काफ़ी हम लंच में हो गए लेट क्योंकि एक 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 वैरायटी आ रही है और हम खा रहे हैं। कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया, बहुत आपको ठंडा करके खाऊं तो आगे बताएं। तो अभी हम सब जनों ने हमारा लंच कर दिया और काफ़ी लंच में इतने लेट हो गए, डेढ़ बज चुकी है, डेढ़ से क्या एक 41 हो चुकी है। और अब हमको जाना है सीधा चिकू के कपड़ों के ट्रायल के लिए। बिल्कुल यार, सबके कपड़ों का ट्रायल है और आज फाइनली काम निपट जाए तो अच्छा है पूरा। सो अभी हम आ गए हैं ये गीतांजलि पर, सबके कपड़ों का ट्रायल, जिनके ट्रायल है वो ट्रायल करेंगे, जिनके ट्रायल नहीं है वो ले ही लेंगे, यानी क्योंकि पहले आके ट्रायल करके गए इसलिए। तो अब होगा बॉयज़ का काम, गर्ल्स का थोड़ा और लेट हो, अब थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मेरा जो बीच में था शोरूम तो मिल गई वह साड़ियाँ, बाकी नहीं तो लेट में लेट हो जाते हैं। तो गाइज अभी हमने फाइनली गीतांजलि से शॉपिंग कर ली है, जितनी भी शॉपिंग की है वो सारी अब जा रही है डिक्की के अंदर। निकल गया क्या? निकल गया, खाली हो गया एक बार। फुल गर्म है बेटी, बहुत गर्म है गाड़ी, बहुत ज्यादा गर्म है गाड़ी। हाँ साइड में बैठाते मेरे को, बट तड़का लगता है, मैं नहीं बैठूं भाई। बहुत बहुत आइस बम आ गया इसमें, ये देखा ना मोबाइल टूट गया यार, मिले आ परेशान मोबाइल को मोबाइल को मत, कोई खसखस नहीं, बहुत खसखस नहीं, बहुत खसखस नहीं बेटी, कहीं भी था मैंने किसको जल जा, कुछ भी हो जा आज तो तू देख ले, वो बियर नहीं दूंगा कहीं भी नहीं जाए बेटी। तो अरे यार किसक जा गया यार, बहुत सबकी मस्ती होने के बाद अब हम सीधे निकल रहे हैं विवाह पे। विवाह पे मैंने कपड़े लेके फिर लेंगे मालदा स्ट्रीट। मैंने मेरा पार्सल है वो रिसीव कर लिया है और ये सब जने गर्मी में मेरा वेट करते हुए। बोलो जय श्री राम। पापा के हमने गॉगल्स ले लिए, गॉगल्स के स्पेक्स ले लिए हैं और अभी मैं आई हूँ यहाँ पर विवाह पर मेरा पार्सल लेने के लिए। यहाँ से कैश लेके मुझे मेरा पार्सल लेना है, तो अभी मैं पार्सल लेके आ जाती हूँ। फ्रेंड मैंने ले लिया है मेरा पार्सल विवाह से और अब हम जा रहे हाथी बॉल यश का लेना एक साफ़ा और मेरे लहंगे के बहुत सारे प्रोडक्ट लेने हैं क्योंकि मेरा लहंगा अभी तक रेडी नहीं हुआ है। मेरी कारिया अगर हमारे दिए ब्लॉग में आ गया। हाँ तो तू मेरा भाई है। हेलो 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 तो फ्रेंड्स हम सब जने जा रहे हैं अब मालदा स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए और ये यश का साफा बंधवाने के लिए जो कि बिनोली का एक साफा रह गया है इसलिए। और यहाँ से हम मालदा स्ट्रीट में एंटर यहाँ से थोड़ी कर पाएंगे, यहाँ से जाना पड़ेगा। बैठा है
तो मैंने मेरी जो भी लहंगे का मटेरियल था वो कंप्लीट ले लिया है, और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी आपने देखा, जैसे कि जिस तैसे करके बड़ी मुश्किल से निकले। यश और विकू को हमने उतार दिया है, वैदिक हमारे साथ है, तो और हम जा रहे हैं अभी मॉल। मॉल से करनी है कुछ शॉपिंग, और रात को मूवी का प्लान सेट किया है। अभी बज रही है 5 और 5 बजने के साथ हालांकि लेट है, पर काम लगभग सब हो गए, काम कुछ बचे नहीं है। यश के साफे का काम नहीं हुआ तो वो अभी गया साफे का काम करने के लिए, क्योंकि सब एक साथ जाते कोई मतलब नहीं है, और ये सब चीज़ें बहुत कंजस्टेड जगह में होती है, तो कार जा नहीं सकती है, ऑटो ऑटो में ही घूमना पड़ता है, और ज़्यादातर तो वॉकिंग ही करनी पड़ती है। आपको पूछने के लिए नहीं लाई गजब पे छोटी इतनी गजब पे यही तो थी। वैदिक के करनी थी कुछ शॉपिंग, तो हो गई है वैदिक की सिस्टर के लिए, तो अभी हम इसका बनवा देते हैं बिल। एंड अभी आए हैं हम मैकडी में, और मैकडी में चिकू दे रहे हैं ऑर्डर। वहाँ पर जैसे ही ऑर्डर आता है थोड़ा टूस लेते हैं और फिर ढूंढते हैं, और वहाँ तो हम वापस अभी मॉल से निकल चुके हैं। अभी चिकू को कुछ काम याद आ गया है, तो अभी वो काम करने के लिए जा रहे हैं। अभी हम आ गए हैं बॉक्स लेने के लिए। क्या हुआ लगी? अरे यार, ये अभी हम आ गए हैं बॉक्स लेने के लिए, और यहाँ पे सामने ही किमत राम जी की दुकान है, तो किमत राम जी की दुकान से वैदिक के लिए लेनी है कंठी। यश ने बाल कटवा दिए हैं प्री वेडिंग शूट के लिए। सो गाइस, हाउ आई एम लुकिंग नाउ? अमेजिंग। तो फिर ये हेयर कट किस लिए हुआ है वो तो आपको बताना पड़ेगा मेरे ही व्लॉग में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके देखिए, स्टे ट्यून्ड, और बहुत जल्दी हम दोनों के व्लॉग में आएगी कुछ नई नई चीज़ें। तो तुम आ रही मेरे साथ? कहाँ पे? पॉसिबल नहीं है यार, हमारा कुछ और प्लान है, देखते हैं। एज अ यूट्यूबर वी हैव डिफरेंट प्लान। अभी हमारी हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं KFC में। इट्स टाइम फॉर मूवी नाउ, एंड अभी हम जा रहे हैं KFC में हमारा डिनर करने के लिए। तो डिनर अभी तक कुछ प्लान नहीं है, चिकू का कॉल आ ही रहा है नॉन स्टॉप, बट उनके पास अभी जाना ज़रूरी है। और ये हमारे पीछे वैदिक साहब धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं और हम भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और इतना स्टफ हो गया है, और जितना पानी हम लेके आए थे वो सारा ढूल चुका है गाड़ी में। कैंगन वाटर ढूल गया है, क्योंकि बॉटल थी वो उल्टी हो गई। ये खाना हमारा आ चुका है, अब खाएंगे हम खाना, और हमारी अभी मूवी ठीक है, तो अभी हम हमारा डिनर कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज KFC वालों ने इतना लेट कर दिया जिसकी कोई यानी बात ही नहीं है, क्योंकि हम लगभग हमारी 15 से 20 मिनट की मूवी मिस हो चुकी है, और अभी यश और ये लोग आ रहे हैं। जल्दी से जल्दी जैसे ही आते हैं वैसे हम चलते हैं। चलो, हो गई बहुत तूने प्रेशर किया ना, वैसे चलो। मिकू भी यहाँ पर चलते चलते खाना खा रहा है, चिकू भी पीछे चलते चलते खाना खा रहे हैं, क्योंकि लेट इतने हो गए, लास्ट टाइम पर हमको हमारा ऑर्डर मिला। अभी हमारे पास ज़बरदस्त लोचा हो गया है, अभी हमको पता चला हमारी जो टिकट है वो PVR की है, और हम आ गए थे आईनॉक्स में, और हम वैसे ही आधे घंटे की मूवी है वो निकल चुकी है। तो अब फटाक से जाते हैं सेलिब्रेशन। और KFC ने बहुत चोट कर दी जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हमारे साथ जो ज़बरदस्त माहौल हुआ है हमारे साथ। हम अभी आ गए सेलिब्रेशन मॉल, और अब हम मूवी देखेंगे 11 बजे, 10:15 का शो। इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफ करना भाई। सब जने आ चुके हैं और मूवी देखनी चालू कर दी है। 6 महीने से भीमा इस सपने को जान दी, लड़ने के लिए नया रूप दिया तूने। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? शिक्षा दो ना। अभी बज रही है रात की 2, और क्या मजा आया मूवी देखने में। यानी एक सेकंड के लिए भी सोया ऐसा सीन नहीं था, पर ये वैदिक पूरी मूवी में सोया है। क्या पता ऐसी कौन सी नींद थी, पर बहुत ही सॉलिड मूवी थी, बहुत ही जबरदस्त, पैसा वसूल मूवी। पूरी मूवी में हमने उटिंग की है, पूरी मूवी में।
तो अब फाइनली अब ऋषभ देव के लिए निकलते हैं, कहीं पानी मिलता है पानी की बोतल लेते हैं। वॉशरूम जाना था पर वॉशरूम का कुछ जुगाड़ हो नहीं रहा है और दो बज चुके हैं यार। आज तो नाइट आउट ही हो गया एक तरह से, हद पार है। तो हम आ चुके हैं अब घर पे और अभी बज गई है रात की 3, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं। सारा स्टफ है वो सब दिनों जने निकाल रहे हैं अंदर से और ये तो पूरा ही नींद में भंड हो गया है, नींद में पूरा। तो बस यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। आज का व्लॉग तो देखने के बाद मज़ा ही गया होगा, और मज़ा आ गया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। और ओके बाय, सब जने बाय कर दो, बाय बाय। कोई मतलब ही नहीं है।